हेलो एवरीवन, कुक विद अनु में आपका स्वागत है। सुबह शाम चाय के साथ हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या तो हम बाजार से मंगाते हैं या हम घर पे ही बना लेते हैं। तो आज हम मैदे के नमकीन काजू बनाएंगे। तो चलिए मैदे के नमकीन काजू बनाते हैं। काजू नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा। मैंने 3 कप मैदा लिया है, 1 कटोरी ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा। अब सबसे पहले हम मैदे का डो बना लेंगे। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे। 3 कटोरी मैंने मैदा लिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, काली मिर्च दरदरी कूटी हुई, इससे काजू नमकीन का स्वाद दोगुना हो जाएगा। एक चम्मच जीरा, जिसको मैं हाथों से क्रश करके डालूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अजवाइन को भी इसी तरह से मैं क्रश करके डालूंगी। अब इसका सेंटर में होल बना के ये हम ऑयल डालेंगे। इसे हमारे काजू नमकीन बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। जी देखिए, आप ये मेरा आटा बन रहा है। इसको मैं अगर मुट्ठी में लेती हूँ तो ये आटा बन रहा है, ये देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा तैयार कर लूँगी, सख्त आटा तैयार कर लूँगी। ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूँगी। ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा आटा लगभग तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको मैं और मसल लूंगी। अब इसको 2 भागों में बांट लूंगी और इसकी एक बड़ी सी लोई हम तैयार कर लेंगे। अब हमें इसको बेलना है। अब मैं इसको प्रेस करके चकले में बेल लूंगी। ये देखिए, हमें ना इसे पतला रखना है ना इसे मोटा रखना है। ये मैं अभी बेल के दिखाऊंगी आपको कि कितना हमें इसकी मोटाई रखनी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखिए, हमें इतनी परत इसकी मोटी रखनी है। अब ये मैं एक बोतल का ढक्कन लूंगी, कोई भी हम बोतल का ढक्कन ले सकते हैं। अब इसको सेंटर में से इसको आधा बीच में रख के प्रेस करके इसके हम काजू बना लेंगे। आधा इसको रखेंगे बीच में, प्रेस करके इसके काजू बना लेंगे। पहला एक दो हमारा ऐसे ही निकलेगा। अब ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही हमें काजू नमकीन सारे बना लेने हैं। देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ऐसे ही हम सारे काजू नमकीन बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे काजू नमकीन बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख लिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसके काजू डालेंगे फ्राई करने के लिए। हमें लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये अंदर तक सिक जाएंगे। अगर हम फुल फ्लेम रखेंगे तो ये जल्दी पक तो जाएंगे पर अंदर से पकेंगे नहीं, इसलिए हमें इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए, हमारे काजू अंदर तक सिक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहां कहां से देख रहे हैं। ये देखिए, हमारे काजू नमकीन तैयार हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं। ये देखिए, तोड़ने से कैसे टूट रहे हैं और क्रश भी हो रहे हैं। लीजिए, हमारे काजू नमकीन तैयार हैं।
आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी काजू नमकीन बनाइए, खाइए, अपने अनुभव को भी दनु के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।